नमस्कार लोकतंत्र 2013 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। मध्य प्रदेश और मिजोरम में कल मतदान संपन्न हो गया। अच्छी बात यह है कि भारी तादाद में लोगों ने वोट डाले हैं। इधर दिल्ली और राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। चुनावी खबरों को तफसील से देखें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की चुनावी सुर्खियों पर। राजस्थान में प्रचार के लिए उतरे दिग्गज। भीलवाड़ा और बूंदी में गहलोत की रैली, तो उदयपुर में वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह। राजस्थान की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया गुमराह करने का आरोप। नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बताया नाकाम। मध्य प्रदेश में छिटपुट हिंसा के बीच 70% से ज्यादा मतदान। बीजेपी और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। और मिजोरम की 40 सीटों के लिए 81% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। मुख्यमंत्री ललथनहावला ने जताया जीत का भरोसा। लोकतंत्र 2013 में सबसे पहले देखेंगे खबरें मध्य प्रदेश से। राज्य में सोमवार को हुए मतदान में 70% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मध्य प्रदेश में छिटपुट हिंसा के बीच मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। राज्य में रिकॉर्ड 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे ज्यादा मतदान रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान की। सुबह से वोटरों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ साथ मतदाताओं का जोश भी बढ़ता गया। शाम होते होते राज्य में भारी मतदान की खबरें आने लगी। जो मतदान रहा है वो काफी ब्रिस्क और शांतिप्रिय रहा है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके। मतदान केंद्रों पर 5 बजे शाम को लंबी कतारें देखी जा रही थी, जिसके आधार पर ये मूल्यांकन है कि मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर जाने की संभावना है। राज्य में प्रशासन ने मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। किसी भी तरह के अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। हालांकि राज्य में छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई। इस बीच ग्वालियर चंबल इलाके में 8 जगहों पर असामाजिक तत्वों की ओर से गोलीबारी की खबरें हैं। एक जगह पर सुरक्षा बलों को असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी। फोर्स डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कल चेक कर लिया और हम लोग के फोर्स डिप्लॉयमेंट और हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। भिंड विधानसभा क्षेत्र के लहार में ईवीएम तोड़ने, मुरैना के धस्टुआ में ईवीएम लूटने, सिवानी की मालवापुरा में एक मतदान केंद्र पर कब्जा करने की भी खबरें हैं। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते राज्य में करीब 23 मतदान केंद्रों पर ईवीएम भी बदले गए। नंबर ऑफ एक्साइज केसेस लॉज्ड 7,271, नंबर ऑफ पर्संस अरेस्टेड 7,453, नंबर ऑफ रेड्स कंडक्टेड 13,668। राज्य में महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। बड़ी तादाद में युवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। काफी एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब वेट कर रहे थे हम लोग जब से सुना था इलेक्शन का। मैं, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, हम लोग कॉलेज में काफी हॉट डिस्कशंस भी हुए हैं, तो काफी एक्साइटेड थे। राज्य में 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में ही मतदान करवाया गया है। कुल 2,586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 4.66 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी नेता सुषमा स्वराज, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता कमलनाथ के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए आम लोगों के साथ साथ राजनेता भी अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के जैतगांव, राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर
और बीजेपी नेता माया सिंह ने ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा, तो सुषमा स्वराज ने पार्टी की जीत का भरोसा जताया। सुबह से प्रदेश से जो खबरें मिल रही हैं, उसके आधार पर ये कह सकती हूँ कि इतना उत्साह है लोगों का पोलिंग के लिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। ये केवल एक वोट नहीं है, इससे मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। हम अपनी सरकार चुनेंगे। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस चुनाव समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राधोगढ़, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने भोपाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुरेश पचौरी ने कहा कि राज्य की जनता में बदलाव की चाहत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य में कांग्रेसी सरकार बनाने का दावा किया। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, बहुत अच्छा प्रतिशत मतदान हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग ऊब चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इनके अलावा भी मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम नेताओं ने वोट डाला। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने राधोगढ़ और कार्तिकेय चौहान ने बुधनी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो राज्य में अब तक का रिकॉर्ड मतदान है। भोपाल से हमारे संवाददाता राजकमल राव जुड़े हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। राजकमल, देखा जाए रिकॉर्ड मतदान है और अब हम हर चुनाव में देखते हैं कि पिछले रिकॉर्ड टूटते नजर आते हैं हमें। तमाम जो राजनीतिक दल हैं और तमाम लोग हैं, किस तरह के मायने निकाल रहे हैं इससे? प्रीति, ये वाकई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड मतदान है, क्योंकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 1% ही इंक्रीज है, लेकिन नंबर ऑफ वोट जितने ऐड किए गए, करीबन 50 लाख नए वोट ऐड किए गए इस बार और 100% चुनाव आयोग ने सारे पोल्स भी बांटे थे। तो कम से कम अगर और ज्यादा और थोड़ा सा टाइम होता तो 100% मतदान भी हो जाता, लेकिन कुछ जगह ऐसे है जहां पे 5 बजे के बाद भी बड़ी लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिली थी। इसीलिए जब 6:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आके परसेंटेज बोले थे, उस समय भी फाइनल परसेंटेज नहीं आया था, लेकिन अभी यहाँ की लोकल परसेंटेज है 71%, बोलो सब लोग रात को 12 बजे की परसेंटेज है, लेकिन चुनाव आयोग ने कल शाम को ही 70% बताया था। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों को एक तरह से एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि 1% ही बढ़ा है नंबर में, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स देखे 4.5 करोड़ पॉपुलेशन में, ये कम से कम 3.5 करोड़ लोगों ने कल वोट किया। 3.5 करोड़ लोग 230 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए एक दिन वोट करना, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है प्रीति। जी जी राजकमल, 100% लोगों तक फोटो पहचान पत्र पहुंचे, इसलिए भी आंकड़ा बड़ा है, लेकिन एक और तस्वीर हमने मध्य प्रदेश में देखी है, अगर आप इसे समझा पाए राजकमल। 16 जगह ऐसी भी नजर आई जहां लोग निकले ही नहीं, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि उनके सामने नोटा का विकल्प भी था। ये एक तरह से राजनीतिक दलों की प्रयास रही थी कुछ जगहों पे कि नोटा का उपयोग ना करें, बहुत सारे लोग नोटा के बारे में इतना एक्सपोजर भी नहीं दिए थे, लेकिन जहां पे वोटिंग पे नहीं गए थे वो कुछ ऐसे गांव पहले से ही थे जो राजनीतिक दलों को उसके अंदर आने ही नहीं दिया। उनके बिजली पानी सड़क की जितनी भी समस्या थी, 20 साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल 10-10 साल राजनीति करने के बाद भी उनकी कुछ बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मुहैया करा पाए, इस तरह से कुछ लोग नाराज थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से 18 वर्ष के नए नए युवा वोटर कल वोटिंग लेन में मुझे देखने को मिले थे भोपाल में आप देखेंगे तो 65% वोटिंग है, ये बहुत बड़ा वोटिंग है भोपाल जैसे शहर में, और इंदौर में भी 60 से ज्यादा वोटिंग, ये कभी हुआ ही नहीं था। अगर कुछ लोग माने इनकमेंट वोट है, एंटी इनकमेंट वोट है, प्रो इनकमेंट वोट है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ और ये प्रजातंत्र के लिए एक तरह से स्ट्रेंथन करने वाली बात है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कल के मतदान की जो तस्वीर है उसको और साफ करने के लिए। और आइए मध्य प्रदेश के बाद अब रुख कर लेते हैं मिजोरम का। मिजोरम विधानसभा के 40 विधानसभा सीटों पर हुए सोमवार को चुनाव में 81% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा शाम 6 बजे तक का है, जिसमें और बढ़ोतरी फिलहाल हो सकती है। मिजोरम में पहली बार VVPAT का इस्तेमाल भी किया गया।
It is very much in the air that the people are voting us back to power. Unfortunately, there is no anti-incumbency wave in Mizoram today. और मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों पर सोमवार को वोट डाल दिए गए। चुनाव आयोग ने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अच्छी तैयारी की थी। चर्च से समर्थन प्राप्त मिजो पीपल्स फोरम ने भी मतदान प्रक्रिया पर दिन भर निगरानी रखी। पहाड़ी इलाके और सर्द मौसम के बावजूद मिजोरम के लोगों ने मतदान में काफी उत्साह दिखाया। सुबह 7 बजते ही प्रदेश के सभी मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री लल्थनहावला सहित उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने सुबह ही अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। It is very much in the air that the people are voting us back to power. Fortunately, there is no anti-incumbency wave in Mizoram today. वोटिंग के दौरान किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए मिजो पीपल्स फोरम ने जगह जगह सहायता केंद्र खोल रखे थे, लिहाजा मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ये साल के इलेक्शन के तरीका जो वर्षा लगा है, जो कार्ड जो सिस्टम जो कर रहा है, नंबर नंबर धुंधने का तकलीफ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है। मिजोरम में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ दिखी, लेकिन बुजुर्ग और युवा भी वोटिंग को लेकर खासे उत्साहित थे। यह उम्मीद है कि हमारे सरकार में जिसने हमको गरीब को उठा सकते हैं और अच्छा रास्ता दे सकते हैं और पावर भी अच्छा दे सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। In my opinion, democracy is the most important to build the nation and everybody is responsible for a good governance. नागालैंड के एक उपचुनाव को छोड़ दें तो पहली बार मिजोरम में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया। इस व्यवस्था के मुताबिक मतदाता ने जिसको वोट दिया है वो प्रिंटआउट के जरिए मतदाता को मालूम हो जाता है। इस व्यवस्था से भी मिजोरम में काफी खुशी देखी गई। That is very good system. That's what I found today, comparing with all other years. चुनाव आयोग के मुताबिक मिजोरम में 81% से ज्यादा मतदान हुआ। आयोग का कहना है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान हिंसा की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहावला ने कहा है कि राज्य की जनता उन्हें दोबारा मौका दे रही है। उन्होंने अपनी जीत और कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। ललथनहावला ने वोट देने के तुरंत बाद राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी से खास बात की। Today is the polling day for Mizoram Assembly election. Chief Minister Mr. Lalthanhawla has cast his vote also today, and Chief Minister is with us right now. Sir, what will be your priorities if the people give their verdict in favor of your party this time also? I am quite confident that the people will give us a clear verdict again this time. Our priority, as you know, is upliftment of the poor, the farmers, and the weaker section of the people, and we shall be continuing our flagship program, this new land use program. The opposition party, they put allegations that there are various issues where your government has failed to perform well. These people belong to Mizoram ethnic group, and all these opposition people are crying that they want reunification with Mizoram people. So I don't think they should criticize the government on this government. Small insurgent groups, they are still active. They are These are traces of the previous government. In fact, before I came back, Mizoram was a safe haven for all these insurgent groups. In fact, the government itself created this Mar people insurgent group. Now, as you are talking to them, you are negotiating with them, if they don't want to negotiate peacefully, and we shall crush them. Chief Minister Lalthanhawla is very optimistic and very confident that his party will perform well in this election. With camera person Dushmanta, this is Pranav Goswami, Rajya Sabha TV, Aizol, Mizoram. और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी सीधा हमारे साथ आइजोल से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रणव, मिजोरम ऐसा राज्य है जिसने हमेशा ही जागरूकता, हमेशा ही उत्साह दिखाया है चुनाव को लेकर। इस बार भी 81% से ज्यादा मतदान की खबर है। क्या इस बार हम इस उत्साह को किसी बड़े मसले, किसी बड़े मुद्दे या किसी बड़ी लहर से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, कोई खास मुद्दा या कोई लहर इस तरह से कहा जाए कि मतदान का प्रतिशत इसलिए ज्यादा हुआ तो ये कहना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि बीते दो दशक से
जब से कि मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था 1986 के बाद मिला, तब से ही ये परंपरा रही है कि अपने वोट के हक के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता रहती है और बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से मिजोरम एक विशेष एक खास खासियत है मिजोरम राज्य की। अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात करें, ये एकमात्र राज्य है पूरे देश का जिसमें कि महिला वोटर्स की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। और इसके अलावा एक और खासियत ये है कि इस बार वीवीपीएटी जो हम कह रहे थे, वीवीपीएटी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। और तीसरा ये कि पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य ऐसा है मिजोरम जो कि इतना शांतिप्रिय और शांतिपूर्ण है कि इसमें कहीं भी हिंसा की कोई भी खबरें चुनावों के दौरान नहीं आती। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो हमेशा चुनावों के दौरान पक्ष और विपक्ष की पार्टियां लगाती है वो भी देखने को नहीं मिलता। बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक शिष्टाचार के तहत एक पूरा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है और 1986 के बाद कभी किसी तरह का कोई भी घटना या कोई भी हिंसा की वारदात नहीं हुई। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिजोरम में जो चुनाव होते हैं वो एक बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही स्मूथली हमेशा होते हैं और इसमें जो वोटर्स इनकी भूमिका तो है ही और साथ में राजनीतिक दलों की भी एक भूमिका और साथ में जो मिजोरम पीपल्स फोरम है जो कि एक नागरिक संस्था है जो कि यहाँ की जो चर्च है उसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है वो इस पूरे शिष्टाचार को इस डिसिप्लिन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है और समय समय पर वो जनता और राजनीतिक दलों के साथ एक तारतम्य बिठाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम वजहों से मिजोरम में जो चुनाव होते हैं वो अपने आप में खास होते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसको पूरा किया जाता है। जी प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से मिजोरम में वही तस्वीर देखने को मिली, 81% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और वीवीपीएटी का पहली बार आइजोल में कुछ केंद्रों पर इस्तेमाल किया गया और सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल किया गया। फिलहाल मिजोरम की खबरों के बाद यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली और राजस्थान की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखेंगे खबरें दिल्ली के चुनावी दंगल से। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर शीला सरकार के साथ केंद्र पर भी निशाना साधा। इस आजाद भारत में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हर सरकार पर कोई न कोई भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है और इस बार जो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बनी है तो मैं समझता हूं कि जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे सबको यदि मिला दिया जाए तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप इसी सरकार पर 5 वर्ष के अंदर लगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने 2 दिन की मोहलत दे दी है। आयोग ने केजरीवाल को धार्मिक आधार पर वोट मांगने को लेकर नोटिस दिया था जिसका जवाब उन्हें सोमवार को देना था। चुनाव आयोग ने यह नोटिस एक पर्चा बांटने पर दिया था जिसमें धार्मिक आधार पर वोट मांगने की अपील की गई थी। और अब बात करेंगे राजस्थान की चुनावी रण की। राजस्थान में आज बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता कई जगहों पर रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी डी मंगरोल, बूंदी और भीलवाड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह प्रदेश में आज से 3 दिन के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। राजनाथ सिंह आज सोजत और वल्लभ नगर में चुनावी रैली करके जनता से वोट मांगेंगे। राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान होना है। जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल धैया जुड़े हैं। विशाल, एक तरह से देखें पूरा जोर अब राजस्थान की तरफ और दिल्ली की तरफ लगा हुआ है। राजस्थान की रण की अगर हम बात करें, आप अगर हमें समझा पाए कि बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों में क्या ऐसे मसले हैं जो उभर के आ रहे हैं, जो जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए, लुभाने के लिए दावे और वादे किए जा रहे हैं।
देखिए जो बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां उसमें एक बात तो जो पिछले कई दिनों में देखने को मिल रही है मुख्य तौर पर वो है कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी हों, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, बीजेपी के बाकी नेता हों, आपसी जो जो आरोप प्रत्यारोप है वो जारी है। इसके अलावा जो कांग्रेस की सरकार रही है पिछले 5 साल की उसको लेकर जो क्रिटिसिज्म है बीजेपी के नेताओं की तरफ से वो उभरकर सामने आ रहा है उनकी रैलियों में, और उसका जवाब कांग्रेस की रैलियों में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहा है। खासतौर पर जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि जो फ्री मेडिसिन स्कीम जो कांग्रेस की रही है पिछले 5 साल की उसको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से बहुत ही जिसे कहें प्रतिक्रियात्मक टिप्पणियां आ रही हैं, और उनका उसको डिफेंड करने की उस स्कीम को डिफेंड करने के लिए बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो जोर शोर से भाषण में जो बड़े नेता है कांग्रेस के, जैसे कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में उस स्कीम का बचाव किया। उसके अलावा डेवलपमेंट एक मुद्दा यहां पर उभर कर सामने आ रहा है, दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर ये दावे कर रही हैं कि अगर उनको अगले 5 साल तक सरकार बनाने का मौका मिला तो वो विकास का जो कार्य है उसे और गति देंगी। दोनों ही अपने 5 साल की जो काम की दुहाई है वो दे रही है, बीजेपी इससे पहले के जो 5 साल थे उसमें जो बीजेपी का राज था वो, और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो काम किया है वो। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के पास ही अपना अपना एक तरीके से शोकेस करने के लिए रिपोर्ट कार्ड है 5 साल का, और अपने अपने वायदे हैं। लेकिन क्योंकि जातिगत राजनीति राजस्थान में बहुत अहम भूमिका रखती है, इसलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो रैलियां हैं उनमें जो भाषण है उनमें ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंदरूनी राजनीति है जो जमीनी स्तर पर जो प्रचार किया जा रहा है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है उनको दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है कि ठीक तरीके से बिठाया जा सके ताकि उसका फायदा उनको 1 दिसंबर को होने वाली जो वोटिंग उसमें मिल सके। जी, यानी हर पहलू को छूने की कोशिश की जा रही है बड़ी रैलियों में। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 दिसंबर को मतदान होना है राजस्थान में और इसीलिए आखिरी दौर में चुनाव प्रचार है और बड़ी रैलियां लगातार यहां जारी हैं। राजस्थान के पुष्कर और जोधपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 2 रैलियां की। उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार की तारीफ करते हुए जनता से दोबारा सत्ता में भेजने की अपील की। पुष्कर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भले ही 2 घंटे देर से पहुंचे लेकिन इंतजार कर रहे लोगों के उत्साह पर जरा भी असर नहीं पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी और सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस गरीबी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान में करने वाले हमारी सोच है कि गरीबों के सामने एक दीवार खड़ी है, मोटी दीवार, और हम कहते हैं भैया सरकार को गरीब का हक पकड़ना है और मिलकर इस दीवार को तोड़ना है, और बीजेपी के लोग कहते हैं भैया हम सड़क बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, और गरीबों के सामने ये जो दीवार है उसको गरीब तोड़ेंगे अपने सिर से। पिछले 5 साल में अपनी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा के अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में विपक्ष के आरोपों का भी जमकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रही है। यहाँ पे आपके विपक्ष की नेता जो है वो दवाई को जहर कहती है, जिस दवाई में मार्केटिंग हो, अच्छी सी पन्नी हो, जिस दवाई से किसी कंपनी को बहुत फायदा मिले वो जहर नहीं होता है, मगर वो दवाई जिसमें मार्केटिंग ना हो, अंदर एक ही चीज हो, उसको जहर कहा जाता है। जो गरीब है इस देश में। राहुल गांधी ने राज्य की गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो विकास की रफ्तार तेज होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पुष्कर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी बीजेपी भी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी एक साथ केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने सोमवार को रैली में प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की आलोचना करने में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी के सभी नेता अपनी रैलियों में प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं।
उनके हाथ में जब तक प्रदेश है बर्बादी के सिवा कुछ नसीब नहीं है, मान के। हालांकि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान पिछले 5 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश के पिछड़ेपन की कहानियां लोगों के सामने बयां कर रही है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू की रैली में बीजेपी को प्रदेश के लिए ही सही विकल्प बताया। उनके इरादे नेक नहीं है, वे मौज करने के लिए सरकार में आते हैं, चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में बीजेपी सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए बीजेपी उनके कार्यकाल में किए गए काम का भी जमकर जिक्र कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके डूंगरपुर में कांग्रेस एक बार फिर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। जाति की राजनीति यहां चुनावी नतीजे में हावी रही है। राजनीतिक दलों के चुनावी वादों के बीच डूंगरपुर में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये है राजस्थान का डूंगरपुर जिला, जो आदिवासी और पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर कांग्रेस की खासी पकड़ है। बीजेपी यहाँ अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और नरेंद्र मोदी के जरिए वो अपना यहाँ प्रदर्शन बेहतर बनाने की उम्मीद लगाए बैठी है। जिस तरह से कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें युवा वर्ग पूरा पूरा नाराज है। वो क्योंकि न तो कोई नौकरी मिला है, न कोई ऐसा कोई धंधा मिला, और मैक्सिमम लोग हैं जो ओवरएज हो गए। कांग्रेस ने एक बार फिर यहां से जीत की उम्मीद लगा रखी है। राजस्थान सरकार के जनजातीय उपयोजना इलाके में ओबीसी आरक्षण देने का वादा किया है और कांग्रेस को चुनाव में इसका फायदा मिलने की आस है। नेतृत्व में काम कर रही है, वो बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन लोक कल्याणकारी योजना के काम कर रही है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने भी डूंगरपुर से अपना उम्मीदवार उतारा है। यहाँ पर जातीय राजनीति हावी होने के चलते दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनपीपी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक चैलेंज के रूप में डूंगरपुर जिले को उस विधानसभा सीट को लिया है। हर बूथ स्तर पे मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था 1 बूथ 10 यूथ। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सभी 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया। डूंगरपुर में राज्य की गहलोत सरकार की योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाएं यहां सही तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं। यहां के लोग पीने के पानी, बेरोजगारी, बिजली और शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। लोग इस इलाके में लंबे समय से औद्योगिक विकास की मांग कर रहे हैं। चारों चार सीटें कांग्रेस की है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि चारों चार सीट फिर जीतेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनजातीय उपयोजना में आने वाले डूंगरपुर की 61% जनसंख्या आदिवासी है और यहाँ हमेशा जाति की राजनीति हावी रही है, जिसके चलते पार्टियों ने उम्मीदवार उतारते समय जातीय समीकरण को ध्यान में रखा है। दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2013 में इतना ही। दोपहर 1 बजे आपसे फिर तमाम और चुनावी खबरों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।